Hey Plantaholics, welcome back to my channel. Hope you're all doing well. Friend, in this video, I'm going to tell you how to give neem khali to your plants and what are its benefits तो so friends चलिए start करते हैं तो ये जो आप bowl में देख रहे हो ये है neem khali तो so basically friends ये जो neem khali होती है ये जो आप अगर आपने neem का पेड़ देखा होगा इसमें जो fruits लगते हैं उनको ये सुखा कर ये जो नीम केक होता है वो बनाया जाता है और जब इसको सुखाया जाता है तो एक ये प्रोसेस होता है जो नीम ऑयल आप लोग अपने प्लांट्स में एज अ पेस्टिसाइड के तौर पर डालते होंगे वो एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है फिर ये जो लेफ्ट ओवर बचता है इसे एज अ नीम खली के तौर पे फार्मिंग में यूज किया जाता है और गार्डनिंग में भी इसका बहुत सारा यूसेज है तो फ्रेंड्स आज हम इसी के बारे में बात करेंगे बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है ये प्लांट्स के लिए क्योंकि फ्रेंड्स ये ना सिर्फ एक्ट करता है एक नेचुरल फर्टिलाइजर के तौर पर बल्कि ये एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड और फंजिसाइड का भी काम बहुत अच्छे से करता है तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इस नीम खलीम में आ, बेसिकली कौन से ऐसे तत्व पाए जाते हैं एक तो पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ये एक नेचुरल एनपीके इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है ये एक सोर्स है नेचुरल एन का इसके साथ साथ फ्रेंड्स इसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर कैल्शियम ये सब एक अच्छी क्वान्टिटी में पाया जाता है जैसे कि फ्रेंड्स आपको भी पता है कि नाइट्रोजन का जो रोल होता है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है इसके साथ साथ फ्रेंड्स जो ग्रीन कलर आपकी लीव्स में होता है उसको मेनटेन uh, करने में भी फोलिएज प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है नाइट्रोजन इसके साथ साथ फ्रेंड्स जो फॉस्फोरस होता है वो सभी फ्रूटिंग प्लांट और फ्लारिंग प्लांट के लिए जैसे कि फ्लावर्स बनाने के लिए और सीड्स बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कैल्शियम का जो काम होता है वो बेसिकली सॉइल का जो पी लेवल होता है उसको वो एडजस्ट करता है इवन जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है उसको भी ये बहुत अच्छे से बढ़ाता है तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं कि हमें इसे डालना कैसे है तो फ्रेंड्स जैसे कि आप ये नीम खली देख रहे हो आप इसको ऐसे ही डाल सकते हो जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ आप ऐसे ये पॉट में थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी ले लीजिए और इस तरीके से आप ऊपर से ही सूखा नीम खली आप डाल दीजिए अपने प्लांट्स में तो फ्रेंड्स आप वंस इन अ मंथ इसको डाल सकते हो क्योंकि फ्रेंड्स सॉइल की जो ओवरऑल हेल्थ को आप अगर अपने प्लांट को देखते होगे कि उसमें जो ग्रोथ होती है अगर अच्छे से हो और आपका प्लांट लदा रहे फ्लावर्स से या फ्रूट्स से तो सॉइल जो होती है ना सॉइल की हेल्थ जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो अच्छी रहे तो इसके लिए आप फ्रेंड्स वंस इन अ मंथ इसको आप इसी तरीके से डाल दीजिए या फिर फ्रेंड्स आप इसको लिक्विड के भी फॉर्म में डाल सकते हो लेकिन फ्रेंड्स मैं इसको ऐसे ही डालती हूँ इसी वजह से मैं आपको इसी तरीके से दिखा रही हूँ इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर आप मेरे पीछे वीडियोस देखते होगी तो मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी आप अपने आ, कोई भी न्यू प्लांट्स आप नर्सरी से लाते हो तो जब उसका पॉटिंग मिक्सर बनाइए तो वन फोर्थ ऑफ द पूरा जो पॉटिंग मिक्सर होता है उसमें वन फोर्थ आपको नीम खली जरूर डालना है क्योंकि फ्रेंड्स जब आप नीम खली डाल दोगे जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का भी काम करता है और फंजिसाइड का भी काम करता है तो आपकी सॉइल की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और फ्रेंड्स जब भी आप नीम खली ऐसे डाल देते हैं ऊपर से तो आप एक बार अपने प्लांट की जो सोइल होती है ना उसकी गुड़ाई जरूर कर दीजिए उससे यह होगा कि सोइल में जो नीम खली होगी वो बहुत अच्छे से मिक्सअप हो जाएगी जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से करके इससे आपके प्लांट की जो सॉइल होती है और उसमें नीम खली होती है वो अच्छे से मिक्सअप भी हो जाती है और सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो धीरे धीरे करके आपकी जो सॉइल होगी उसमें रिलीज होंगे जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके प्लांट्स में बहुत अच्छे से टाइम के साथ जाते रहेंगे अब हम फ्रेंड्स आपके तो थोड़ा सा ये भी बता देते हैं कि नीम खली के और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं तो फ्रेंड्स नीम खली जो होती है आपके प्लांट्स में काफी टाइम तक लास्ट करती है क्योंकि ये एक स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर के तौर पर वर्क करता है इसके साथ साथ फ्रेंड्स वाटर को ये रिटेन करता है आपकी सॉइल में जिससे आपकी सॉइल की जो हेल्थ होती है ओवरऑल जो सॉइल का पूरी हेल्थ होती है उसको हेल्दी um, बनाए रखने में नीम खली का जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो फ्रेंड्स आप इसको इस तरीके से जरूर डालिएगा क्योंकि ना सिर्फ ये जैसे कि मैंने आपको अभी सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में बता दिया है इसके साथ साथ फ्रेंड्स जैसे मॉनसून अभी चल रहा है तो इस समय बहुत सारी जो पेस्ट अटैक होते हैं बेसिकली कई बार होता है सोइल में जो पेस्ट अटैक होते हैं वो हो जाता है जैसे कि आपके प्लांट की सॉइल में कभी कभी फंगस लग जाता है इसके साथ साथ फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको दीमक बताया है वो कई बार लग जाते हैं बहुत ज्यादा सीलन की वजह से तो फ्रेंड्स अगर आप टाइमली अपने प्लांट में वंस इन अ मंथ आप इसको डाल देते हो तो आप अपने प्लांट को किसी भी तरीके के जो भी सॉइल के में जो पेस्ट पाए जाते हैं उनसे बचा ले जाओगे और अगर फ्रेंड्स नहीं हुआ है तो भी आप एज अ क्योंकि ये फर्टिलाइजर के तौर पे काम करता है तो आप इसको जरूर डालिएगा तो फ्रेंड्स आपके प्लांट की जो ओवरऑल हेल्थ होगी वो आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी और फ्रेंड्स अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करूँ तो आसानी से आपको ये मार्केट में एक किलो का पैक पचास में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा नहीं तो फ्रेंड्स ये होम भी बन जाता है, तो वो भी आप करके देख सकते हो खाली आपको इसके फ्रूट्स को सुखा के बस पीस लेना है वो भी आप बना सकते हो और अगर फ्रेंड्स आप चाहते हो कि मैं उसका भी एक वीडियो बनाऊं क्योंकि मैंने अभी तक उसको ट्राई आउट नहीं किया तो मैं आप लोगों के लिए जरूर ट्राई करूंगी उसको भी क्योंकि अगर आप होम बनाते हो तो वो और ज्यादा आपको किसी भी तरीके की उसमें मिलावट नहीं होगी और आपका भी जो प्लांट होगा वो इसी तरीके से ब्यूटीफुल से फ्लावर्स देगा तो फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा जैसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती कि आपके प्लांट्स में अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप बहुत सारी फर्टिलाइजर्स के पीछे भागते हो फ्रेंड्स ये छोटी छोटी सी भी चीज़ें जो होती है नीम खली जो होता है बहुत ही चीपेस्ट एक फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड और फंजिसाइड का रोल प्ले करता है तो आप जो भी चीज़ आपको आसानी से अवेलेबल हो जाए वो आप पहले डालें तो फ्रेंड्स आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ भी शेयर करिएगा तो आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आप अभी जुड़े हो मेरे इस चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा होप यू लाइक द वीडियो थैंक यू सो मच